चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव का भी शेड्यूल जारी कर दिया। सबको इंतजार था कि लिस्ट में मिल्कीपुर का नाम भी होगा, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह कानूनी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इसी के साथ भी सियासी जंग शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर यानी अवधेश प्रसाद की सीट, अवधेश प्रसाद जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था और बड़े इसकी काफी चर्चा हुई थी क्योंकि इसी के अंतर्गत अयोध्या विधानसभा भी आती है और अयोध्या में बीजेपी ने जिस तरह से ये प्रचारित किया था कि यहां राम मंदिर बनने का क्रेडिट उसी को जाता है और ऐसे में फैजाबाद में जो हार मिली थी वो कहीं ना कहीं साल रही है और अब मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना होने को लेकर के विपक्ष हमलावर है और अपनी पीठ थपथपाते हुए चुनौती दे रहा है बीजेपी को। यहां जातीय समीकरण भी हम आपको दिखाते हैं। तो ब्राह्मण करीब 17% है, मुस्लिम यहां पर 9% है, कोरी समाज की बात करें 6% है, यादव करीब करीब 16% के आसपास है, ठाकुरों की संख्या 7% के आसपास है और अन्य 21% के आसपास है। मिल्कीपुर सीट का जो जातीय समीकरण है वो आपको दिखाते हैं। इसमें जो एससी समुदाय के वोटर है उनकी संख्या सबसे ज्यादा करीब 24% है और उसमें भी पासी समुदाय के 18% वोट हैं, यानी सबसे ज्यादा यहां पासी जो जाति है उसका यहां पर दबदबा है और ऐसे में वही निर्णायक होती है। जाहिर है इसमें इस पूरे मामले को लेकर के आपको ये बता दें कि मिल्कीपुर को लेकर के पुरानी एक याचिका है जिसकी वजह से इसके तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, अदालत में है मामला ये बताया जा रहा है। जून 2024 में खाली हुई मिल्कीपुर सीट का रोमांच हर बदलती तारीख के साथ बढ़ता गया और ये लड़ाई तब और रोमांचक हो गई जब चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के लिए तारीखों का ऐलान ही नहीं किया। शिराहट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन, देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। मिल्कीपुर आल्सो इज अंडर इलेक्शन, सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। तारीख न आने की वजह कानूनी थी, लेकिन मिल्कीपुर की सियासत को नई धार मिल गई। अखिलेश यादव ने इस ऐलान पर पहला तंज किया, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। इशारा बीजेपी की तरफ था, लेकिन सियासी बाध्यता भी अनिवार्य है। बिना नाम लिए अखिलेश ने मिल्कीपुर को लेकर अपना दांव खेल दिया। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर के लिए दिए गए अवधेश प्रसाद के हलफनामे को लेकर थी। तब अवधेश प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाबा गोरखनाथ रहे। आरोप था कि अवधेश प्रसाद के नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसकी डेट एक्सपायर थी। अब बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर सी बात है जिस याचिका का हम जिक्र करते हैं उसकी वापसी के बाद जो मिल्कीपुर में उपचुनाव है उसका रास्ता साफ हो पाएगा, लेकिन तारीख टलने की वजह से पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करने का मौका मिल गया है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीते, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। डबल इंजन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। मिल्कीपुर में जब अकेले चुनाव करेंगे जिसमें पूरी सरकार लगेगी, सरकार बनाम जनता चुनाव होगा, सबसे बड़ी और बुरी हार भाजपा की मिल्कीपुर में होगी। और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि पहले से ही चुनाव की तैयारियों को मुकम्मल कर चुकी है, हमारी पार्टी की ओर से सभी सीटों पर मंत्रियों की भी ड्यूटियां लगी हैं, खुद पार्टी के बड़े नेता भी हमारे हर चुनाव को देख रहे हैं, तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होगा उन सभी सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है। क्योंकि सपा लगातार पीडीए का नारा देती है और लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि पीडीए फार्मूला उनका सक्सेस भी हुआ था और आप चूंकि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में क्या इस बार उनके पीडीए की कार्ड के तौर पर जो है आपने कुछ नया प्रयोग करेंगे आप लोग?
देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को झूठे षड्यंत्रों के आधार पर गुमराह कर लिया था। अब उत्तर प्रदेश में चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, सब समझ गए वोट लेने का एक मैकेनिज्म था अखिलेश यादव जी के पास, और अब उसकी पोल तो सब लोगों ने हरियाणा में भी खुलते हुए देखी है, और सब लोगों ने ये भी देखा है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का अवसर आया था विधानसभा में, तो अखिलेश यादव जी पीडीए को भूल गए थे। Z News.